ओके ठीक है, हर हर स्टेप में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये काम आपको फर्स्ट रीडिंग, दोस्त ये जो वीडियो है ये कोई स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। ना ही ये कोई स्ट्रेटजी वाली वीडियो है, ना ही ये कोई शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो है। इस वीडियो में आपको लगेंगे हार्ड वर्क, अगर आप कर सकते हो तो ये वीडियो को आगे देखना, अगर आप मेरे साथ अच्छे से काम कर सकते हो तो ये वीडियो को आगे देखना, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। जो मैं बताने जा रहा हूं वो है बहुत सटीक ट्रिक, आप कर सकते हो 360। ये जो वीडियो है ये बेस्ड है बायोलॉजी पे। दोस्त आपके पास 2 मंथ अभी बाकी है और ये 2 मंथ बहुत क्रूशियल होता है कि आपको बताओ, और अगर आप इसमें कर लोगे अच्छे से काम, अगर आप अपना 1000% लगा दोगे तो इस 2 मंथ में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। रिसेंटली मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में स्कोर कर रहे हैं, कोई 340 कर रहे हैं तो कोई 350 कर रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई सीक्रेट ट्रिक है? कुछ नहीं यार, कुछ भी सीक्रेट नहीं होता है, सिंपल सा फंडा है। अगर आप किसी चीज को बार 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 पढ़ोगे ना तो वो आपके जहन में चला जाएगा और यार वो चीज आपको एकदम टंग पे आ जाएगा। यार वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे करेंगे ना बायोलॉजी में 360, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे दोस्त एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाओ, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट डाउन करना, और ये जो वीडियो आपके लिए सफल तभी होगा जब आप इसे अपने प्रिपरेशन में उतारोगे। और आपसे एक छोटी सी प्रॉमिस चाहिए, अगर आप एप्पल बॉय का एक रियल सब्सक्राइबर हो ना तो यार कभी आप मेहनत करने से पीछे मत हटना और इस वीडियो को एक बार पूरा देख लो, शायद आपको समझ में आ जाएगा यार कैसे बायोलॉजी में 360 स्कोर करते हैं। आपको यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और कुछ हाउ का आंसर भी करेंगे। पॉसिबल सब कुछ होता है, बस अपना 1000% लगा दो, नहीं हुआ ना तो मुझे बता। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है, सो हाय गाइस, माय नेम इज शशि कुमार एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट। मैंने 2019 दिया था एंड दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। एक मैं एजम्पशन ले लिया हूं, एजम्पशन ये है कि आपने एटलीस्ट 1 से 2 बार अपना एनसीईआरटी को पढ़ लिया होगा, बायोलॉजी का 11th और 12th दोनों 1 से 2 बार पढ़ लिया होगा। आगे बात करते हैं। अब आपको करना ये है ना कि आपको 2 चैप्टर हर रोज मॉर्निंग उठाना, 2 चैप्टर। आपको पता है अगर आपका मॉर्निंग अच्छा हो जाता है ना तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, आपको अच्छा फील भी होगा यार आपने मॉर्निंग में बहुत अच्छा किया है। और यार ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आपको अपना मॉर्निंग बस अच्छा करना होता है। अब जब भी उठो 2 चैप्टर बायोलॉजी के एनसीईआरटी को उठाना है, मॉर्निंग में पढ़ना है। कैसे पढ़ना ये मेरा काम, बताइए कैसे। तीसरी पॉइंट ये कॉन्सेप्ट ऑफ POQs, पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। दोस्त अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि यार किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, कभी मल्टीपल चॉइस पूछते हैं, कभी मैच द फॉलोइंग पूछते हैं, कभी करेक्ट इनकरेक्ट पूछते हैं, कभी असर्शन रीजन पूछते हैं, तो आपको पता है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बस ये सोचना है कि इस लाइन से किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है और वो चीज आपको करना है, ये काम आपको करना है। इसलिए तो मैं स्टार्टिंग में आपको बोल दिया कि ये मेथड में आपको हार्डवर्क लगेंगे। पहला रीडिंग जब आप करोगे मॉर्निंग में 2 चैप्टर में बोला, दो घंटा लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये करना है कि पॉइंट ऑफ क्वेश्चन डिसाइड करना है हर एक वहां पे, जो आपको लगे कि यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है वहां पे आपको जस्ट ऐसे एरो करके POQs लिख देना है कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं यार एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, ठीक है एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे। दोस्त एक और चीज मैं बता दे रहा हूं अपना एक्सपीरियंस कि क्या क्या पढ़ना है बायोलॉजी। तो गाइस लास्ट के समय में सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी और कोचिंग में आपने कहीं से भी नोट्स बनाया होगा उस नोट्स को पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे, चलो आपने एक चक्र उठाया, एक पेन उठाओ, एक कॉपी उठाओ, आपको एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ते जाना है, मार्किंग करना है, फर्स्ट रीडिंग में मार्किंग करना है, ठीक है। मार्किंग करते समय आपको यह ध्यान रखना है यहां पे पॉइंट ऑफ क्वेश्चन भी मुझे लिखना है, ये सोच के कि यार इस प्रकार का क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है, यहां से इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। तो ये काम आप पहली रीडिंग में करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इवनिंग में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 चैप्टर के 200 क्वेश्चन इवनिंग में सॉल्व करने हैं। इवनिंग में सॉल्व करने के बाद आप क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे और एनसीईआरटी के साइड में जो स्पेस होता है उस स्पेस पे आप लिख दोगे जाके कि ये पॉइंट मुझे नहीं पता था ये पूछा गया। एनसीईआरटी के लाइन में कुछ ऐसा लाइन होगा जो आपको दिखा नहीं होगा बट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चल गया या इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरे दोस्त वो सारे पॉइंट आप एनसीईआरटी के साइड में लिख के आओगे, ठीक है। ये काम आपको एक दिन में करना है 2 चैप्टर के लिए। सो गाइस एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं अपनी एनसीईआरटी में कि एनसीईआरटी को आखिर कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। यू कैन सी कि देखो ये एनसीईआरटी दिख रहा है, ये जानबूझ के नहीं फाड़ रहा है, ये पढ़ पढ़ के फट जाता है, ठीक है। अगर आप भी एनसीईआरटी को बार बार पढ़ोगे ना तो शायद आपका भी ऐसा कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। देखो करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रीडिंग जब करना होता है तो फर्स्ट रीडिंग में सिंपली एक बार आप पढ़ो, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखता है लाइक कुछ ब्लैक पॉइंट्स हो गए, ठीक है, हर स्टेप में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये काम आपको फर्स्ट रीडिंग में करना है। और आप जो दिख रहे हो साइड में मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे नीचे में भी है ना, यू कैन सी कि नीचे बहुत सारी चीज़ें। अब ये जो
चीज़ है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लिखना है। मतलब आप कहीं से क्वेश्चन बना रहे हो या फिर कहीं पे थ्योरी पढ़ रहे हो, तो मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करूँगा कहीं पे थ्योरी पढ़ने का, बट आप कहीं पे क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है। उस क्वेश्चन में अगर आप कुछ नया सीखते हो, ठीक है, तो वो चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके लिए स्पेस होता है, ये जो इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको लगेगा कि यार नीट में पूछा जा सकता है, तो वो सारी चीज़ को यहाँ पे लिखना, ठीक है। और जब आप सेकंड रीडिंग करोगे तो सेकंड रीडिंग में आपको ये पहले पढ़ना, ठीक है, फिर वो पॉइंट्स जो आपने यहाँ पे मार्क किया था या फिर POQs जो आपने मार्क किया, ठीक है, तो वो सारा यहाँ पे आप लिखो। एक्चुअली ये मेरा नया NCERT था, एक पुराना NCERT भी था जिसमें हम POQs करके मार्क किए हुए थे, ठीक है। तो उतना टाइम नहीं मिला था लास्ट टाइम में, बट ये लास्ट टाइम में इसको ही मैंने पढ़ा था। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कैसे करना है। यू कैन सी कि यार इस लेवल तक आपको NCERT में जाना पड़ेगा जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, तभी जाकर कुछ अच्छा हो पाएगा। और 360 लाना इतना भी आसान तो नहीं है, बट ट्राई करोगे तो आ जाएगा। अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन सेकेंड रीडिंग, दोस्त मैं आपको इस पोजिशन पे ला दूंगा ना कि आप एक पूरा 11th आप एक दिन में कर सकते हो, बिलीव करो मेरे पे, पूरा 11th कर सकते हो, मैंने खुद किया है तो मुझे विश्वास है। आपको सेकेंड रीडिंग करना है, ठीक है, विद इन 24 आवर्स। अब इस सेकेंड रीडिंग में कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं बात करता हूं। अब जैसे सेकेंड रीडिंग विद इन 24 आवर्स मतलब अगले दिन करोगे, आपको करना यह है ना कि सबसे पहले आपने जो NCERT में साइड में लिखे होंगे कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, उसे पढ़ोगे, प्लस POQs पढ़ोगे। POQs मतलब पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, जो आपने पहले रीडिंग में मार्क किया था वो आप पढ़ोगे। उसके बाद बस ये भी करने से पहले एक और काम आप करोगे, वो ये पांच, आप बात करते हैं सेकेंड रीडिंग की। सेकेंड रीडिंग कैसे करेंगे मेरे दोस्त, सेकेंड रीडिंग करने से पहले आपको 5 मिनट एटलीस्ट रिकॉल करना है कि आपने कल क्या क्या पढ़ा था, उसमें आपको क्या क्या याद है। दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना यह है ना, आपने जो NCERT के साइड में लिखा था, NCERT के साइड में वो पढ़ना है, प्लस POQs पढ़ना है, पॉइंट ऑफ क्वेश्चन जो आपने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त ये दोनों चीज को करने में ना मुझे नहीं लगता कि 20 मिनट से ज्यादा लगेगा एक चैप्टर में, और यही तो मुझे करवाना है आपसे, यही मुझे आपसे करवाना है कि आप धीरे धीरे चैप्टर के रिविजन का टाइम को घटाओगे। अगर एक चैप्टर को करने में आप 1 घंटा ले रहे हो तो रिविजन करने में आप 20 मिनट लोगे, और यार यही तो करना है, यही तो करना है आपसे। आप क्या करोगे, पहले दिन में आप 2 चैप्टर करोगे, अगले दिन में 4 चैप्टर करोगे। अब इस 4 चैप्टर में 2 प्रीवियस चैप्टर होंगे और 2 नया चैप्टर होंगे। अब खुद की कैपेसिटी को और बढ़ाओगे, यार अब हम और कर सकते हैं। हो सकता है कि अगले दिन आप 1 यूनिट कर लोगे, एक दिन में 1 यूनिट कर लोगे, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लोगे, दूसरे दिन में 2 यूनिट एक साथ आप कर सकते हो। यार इसी प्रकार से खुद की कैपेसिटी को इंक्रीज करोगे ना, तो आप एक दिन में पूरा 11 कर सकते हो। करना यह है ना कि हर चैप्टर का रिविजन के टाइम को आपको घटाना है। कैसे घटेगा पता, रिविजन में हर चीज नहीं पढ़ा जाता, रिविजन में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, और कुछ कुछ बातें हम करते हैं। मान लो अगर आपको NCERT याद नहीं होता, इसका एक ही तरीका, बार बार आप लिखो पेज पे, कॉपी पे लिखो, खुद याद हो जाएंगे। प्लांट किंगडम याद नहीं होता, एनिमल किंगडम याद नहीं होता, मॉर्फोलॉजी याद नहीं होता, या एक ही सॉल्यूशन है, आप उसको बार बार कॉपी पे लिखो, खुद याद हो जाएगा। और यही तरीका है यार, यही तरीका से मैं भी आया हूं, और यही तरीका से बहुत लोग आते हैं। याद नहीं होता, रिविजन करो, बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा। आपको समझ में आ गया मैं क्या बोला, ये सारे पॉइंट को आपको अप्लाई। आपको मैं अपना NCERT दिखा दूं, यार देखो ये कंडीशन है मेरी NCERT, ये कंडीशन है मेरे NCERT की। और यार आपको पता है मैं भी कुछ इसी प्रकार से आया हूं। आप देखो यार, मैं भी ना इतना ही मेहनत किया हूं जितना आपको मैं सिखा रहा हूं। यू कैन सी यार फट गया अभी बहुत, मैं भी पढ़ाऊँ, ठीक है। तो यार वो चीज आपको करना पड़ेगा, और अगर आप करोगे तो शायद आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा थोड़ा सा लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट से मुझे बता सकते हो कि आपको समझ में आया ये वीडियो। Fine, that's all about this video. I will take care of it.